हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आई है, क्योंकि हमीरपुर जिला के भोरंज में खसरा रूबेला टीकाकरण ने भोरंज के 13 स्कूली छात्रों को अस्पताल पहुंचा दिया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरेड़ी में छात्रों को लगाए गए टीकों के बाद अचानक इन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में इन छात्रों को उपचार के लिए भोरंज अस्पताल भेज दिया गया, जहां उपचार के बाद अब सभी छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। भोरंज में पेश आई इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती हुए छात्रों की सूचना मिलते ही एसडीएम भोरंज व बीएमओ भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर बच्चों से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। लिहाजा इस घटना के बाद टीकाकरण को लेकर लोग भी भयभीत हो गए हैं। जानकारी के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरेड़ी के करीब 250 छात्रों को खसरा रूबेला के टीके लगाए गए। इस टीकाकरण के बाद अचानक कुछ बच्चों को उल्टियां आनी शुरू हो गई, कुछ बच्चों को चक्कर आने लगी और कंपकंपी महसूस होने लगी। ये देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया। पहले 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें भरेड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें भोरंज रेफर कर दिया गया। इसकी थोड़ी ही देर बाद 7 और बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें भी भोरंज अस्पताल पहुंचाया गया। सभी बच्चों को जैसे इंजेक्शन लगाए गए, उनके बाद चक्कर आने व उनके हाथ कांपने की शिकायत हुई। उसके बाद ही उन्हें स्थानीय प्राथमिक उपचार के लिए केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें भोरंज अस्पताल भर्ती करवाया गया। अब सभी छात्रों की हालत में अब सुधार है। स्कूल प्रधानाचार्य मथुरा दास के अनुसार सभी बच्चों को हिदायत दी गई थी कि सभी बच्चे भरपेट खाना खाकर आएं। टीकाकरण का उचित प्रबंध किया गया था। बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। हमीरपुर सीएमओ डॉक्टर सावित्री कटवाल ने बताया कि जिले के 1,04,000 बच्चों को खसरा रूबेला टीकाकरण लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी तैयारियों से टीकाकरण किया जा रहा है। भरेड़ी स्कूल में बच्चों के डर जाने की समस्या पेश आई है, लेकिन अब बच्चों की स्थिति ठीक है।